तो जी, बचपन से मुझे ट्रैवलिंग का ना बहुत शौक था। अपने लिमिटेड बजट में मैं कोशिश करता था हफ्ते में 2 हफ्ते में ट्रैवल करना, मुख्तलिफ जगहों पे जाना दोस्तों के साथ या अकेला या फैमिली के साथ। तो ये शौक तो शुरू से चलता आ रहा था, लेकिन 2015-16 में मैं यूट्यूब पे आया और यूट्यूब में मैं बहुत ट्रैवल वीडियोस देखता था, खुसूसन ट्रैवल व्लॉग्स। और उसके साथ साथ मेरे अंदर ना ये शौक भी क्रिएट हो गया कि जब मुझे शौक है ट्रैवलिंग का तो क्यों ना मैं यूट्यूब पे एक चैनल खोलूं और अपनी जो ट्रैवलिंग है वो उसको रिकॉर्ड करके दुनिया तक दिखाऊं। तो शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं था और यूट्यूब तो बिल्कुल एक नई चीज़ थी, लेकिन शौक था मेरे अंदर और मेरे पास कैमरा और ये गियर्स एसेसरीज कुछ भी नहीं थी। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था कैमरे वाला, वो भी बिल्कुल उसकी लो क्वालिटी थी। तो बस शुरू से मैंने वो उसी मोबाइल पे मैं वीडियोस बनाने लगा। कोई आइडिया नहीं था लेकिन शौक फुकलादा था। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता रहा, 2 साल 2.5 साल तकरीबन 3 साल तक मुसलसल। तो मैं पेशेंस के साथ काम करता रहा। तो उस 2-3 साल के बाद कुछ थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया बोलने का, कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करने का, और छोटे मोटा जो सॉफ्टवेयर है वो मैं निकाल के एडिट करके वीडियोस डालता था। तो बहरहाल शुरू में यूट्यूब पे व्यूज़ आते ही नहीं थे, लेकिन शौक मेरा इतना कवि था कि परवाह किए बगैर मैं अपने इस काम को जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया तकरीबन 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद। तो उसके बाद कुछ अर्निंग भी मुझे मिली, तो साथ साथ मैंने कुछ कैमरे लिए, कुछ गियर्स लिए अपने चैनल से रिलेटेड, और थोड़ा कुछ मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ। तो उसके बाद बस मैंने वीडियोस बनाना अपना जारी किया, मैंने ट्रैवलिंग की पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल मैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मैं घूम चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट डिस्टिनेशन मैंने कवर किया है और हर टूर जहाँ मैं गया हूँ उसकी वीडियो व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। महबूब अली व्लॉग्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा एक मेन चैनल है जिसमें मैं कुकिंग वीडियोस बनाता हूँ और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल खाने भी हैं, और उस चैनल का नाम महबूब अली के नाम से है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मुख्तलिफ जगहें एक्सप्लोर करता हूँ और उसको एडिट करके मैं अपने व्लॉग चैनल पर डालता हूँ। तो जी, गिलगित बल्तिस्तान की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उससे भी हमारी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्त हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा खूबसूरत तरीन खित्ता है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। तो मैं इस सोच से भी ये वीडियोस बनाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ कि हमारे इस काम की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट होगी और दुनिया को जब पता चलेगा कि यहाँ ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं, जगह हैं, तो डेफिनेटली लोग यहाँ आएंगे। जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा तो यहाँ लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्यूचर है ना उसके हवाले से टूरिज्म इंडस्ट्री इस इलाके की इकोनॉमी में बैकबोन की हैसियत रखती है। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में ये टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी और इसी टूरिज्म इंडस्ट्री से इस इलाके को रोज़गार मिलना है, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों की जो विजन है वो भी बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया के साथ ये लोग कनेक्ट करेंगे। तो और भी बात महबूब भाई, आपका तअल्लुक जो है वो नगर वैली से है जी। और नगर वैली भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस वक्त जहाँ पर इतना ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा नहीं है, इतनी खूबसूरत वैली होने के बावजूद भी यहाँ पर टूरिस्ट का इतना रुझान नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीज़ हम भी फील कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम इस पट्टी की बात करें कि सामने हुंजा वैली है, इधर नगर वैली है, तो नगर वैली हर लिहाज से खूबसूरत है, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के लैंडस्केप्स, लेकिन यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं बसी और टूरिस्ट आते नहीं हैं। इसकी एक बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हमने टूरिस्ट को जो इन्वायरमेंट देना था, जो माहौल देना था, उसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए। टूरिज्म इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आप एक छोटा सा होटल बनाएं, आप रूम्स बनाएं तो लोग आपके पास आएंगे। जब टूरिस्ट घूमने आते हैं तो उनको पूरा एक माहौल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एट अ टाइम अगर आप पूरा माहौल देंगे तो टूरिस्ट आएगा, एंजॉय करेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ब्यूटी के अलावा, तो वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ ब्यूटी से कुछ भी नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह
हमें उम्मीद है कि वक्त लगेगा थोड़ा सा, यहाँ नगर वैली में भी हुंजा वैली की तरह टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे प्रमोट होगी, एज इंडस्ट्री लोग लेंगे इसको वसत देंगे, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि यहाँ भी टूरिज्म बढ़ेगी। और खुसूसन मुझे उम्मीद है कि नगर वैली में जो ट्रैकिंग हाइकिंग का जो पोटेंशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये वाला एस्पेक्ट भी बढ़ेगा। और आजकल जो टूरिस्ट का रुझान भी काफ़ी शोभे की तरफ बढ़ा है कि लोग आते हैं यहाँ से खूबसूरत मीडोज में 2-3 घंटे की ट्रैकिंग करके, रात कैंपिंग करके जाते हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये वाला शोभा भी खुलेगा और इसी शोभे से इंशाल्लाह यहाँ इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। महबूब भाई, मैं खुद भी पिछले काफ़ी टाइम से टूरिज़्म की फील्ड से ही वाबस्ता हूँ। मैंने भी एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, जिस अगर टूरिस्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, वो जगह आस्ता आस्ता तबाही की तरफ चली जाती है। वहाँ लोगों के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है, वहाँ पर खूबसूरती भी पहले जैसी नहीं रहती है, वो कमर्शियल होता है वो कमर्शियल हो जाते खत्म। हैं, मतलब वो पहले जैसी नहीं रहती है। तो फ्यूचर में नगर में भी टूरिस्ट काफ़ी आ जाएंगे, तो क्या नगर फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा या ये भी बाकी जगहों की तरह कमर्शियल हो जाएगी? और अगर इसकी खूबसूरती को कोई ख़राब करना चाहे जैसे टूरिस्ट करते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए या नगर को मज़ीद ऐसा ही रखने के लिए कोई यहाँ के लोग क्या इकदाम उठाएंगे कि नगर ऐसा ही रहे? जी देखें, अगर आप किसी भी इलाके में टूरिज्म इंडस्ट्री जब प्रमोट होती है ना, तो उसके साथ साथ कुछ मसाइल भी आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो कमर्शियल होता है, लोगों का एटीट्यूड बड़ ख़राब होता है और वो जो नेचुरल जो चीज़ है वो बदल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि नगर वैली में बेशक टूरिज़्म बढ़े हैं, हम चाहते हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को वसत मिले, लेकिन साथ साथ यहाँ की जो नेचर है, यहाँ के अकदार हैं और अखलाक है, उसको भी जो है ना मेंटेन होना चाहिए। लोगों को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना, वो एक लॉन्ग लाइफ, एक रोज़गार का ज़रिया है। ऐसा नहीं है कि एक साल के लिए टूरिस्ट आएंगे आप कमाएंगे, ये नस्ल दर नस्ल एक पूरा निज़ाम है, पूरी सनत है, जिससे आपकी आने वाली नस्लों ने भी रोज़गार कमाना है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते वक्त हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन आपकी अखलाकियात, आपके अकदार और सफाई, नेचर को आप प्रिजर्व करें। और टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको आप एक निज़ाम के तहत चलाएं और अपना जो डिसिप्लिन है, अपना निज़ाम है, उसके तहत उनको डालें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस चीज़ से उस इलाके की जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़राब होगी। बाकी तो अगर लोगों में शऊर हो, आगाही हो और एज ए टूरिज़्म इंडस्ट्री इस टूरिज़्म सेक्टर को लें, तो इंशाल्लाह टूरिज़्म भी प्रमोट होगी और साथ नेचर भी बाकी रहेगी, लोगों का रवैया भी सही रहेगा और वो जो अकदार है इंसानी, वो भी हमेशा के लिए कायम रहेंगी। ओके महबूब भाई, बस एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। नगर वैली में ऐसे कौन से पॉइंट हैं, कौन सी प्लेसेस हैं जो कि टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन है, कि अगर वो नगर में आके ये जगह ना देखें तो उसके बगैर इनका ट्रिप इनकम्प्लीट होगा? आपका ये जो सवाल है ना, बहुत अहम है, बहुत अहम है। पिछले 2-3 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 2017 से मैंने बाकायदा ट्रैवलिंग का आगाज़ किया, जिसमें हम गाड़ी पे भी सफ़र किया है, हमने 1-2 दिन की हाइकिंग भी की है और 2 दिनों में हमने 18-19 घंटे भी चले हैं। तो 3 साल मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन नगर की बात नहीं है बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में घूमा हूँ ऑलमोस्ट। और आपने सवाल पूछा नगर वैली का, तो नगर वैली के अंदर जो सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ हर टूरिस्ट को जाना चाहिए, और कुछ तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं गाड़ी पे, लेकिन सबसे खूबसूरत वो डेस्टिनेशन है जहाँ जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, पैदल हाइकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप गाड़ी पे हैं तो गाड़ी पे ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छा जो डेस्टिनेशन है नगर वैली में, खुसूसन गर्मियों के लिहाज से, वो हॉपर वैली है। होपर वैली काफ़ी हाइट पे है, जुलाई अगस्त में जब यहाँ गिलगित के आसपास गर्मी रहती है, 40 से अगर टेम्परेचर ऊपर जाता है तो वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 25, 26, 28 तक जाता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही ग्रीनरी है वहाँ पर। तीसरी बात यह है कि वहाँ ग्लेशियर्स का एक बड़ा सिलसिला है, एक ब्लैक ग्लेशियर है जो कि गाँव से बिल्कुल करीब है। और दूसरी बात, अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं
अगर आप ट्रैकिंग लवर्स हैं तो इसी वैली में, हॉपर वैली में एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, रश लेक, एशिया की दूसरी बुलंद लेक है, जहाँ पे मैं 2019 में गया हूँ। बहुत खूबसूरत लेक है, उसके साथ ग्लेशियर्स भी हैं। तो 4 दिन का जो है वो ट्रैक है, अगर आप में से जो करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और हम आपके लिए एज ए गाइड फैसिलिटी, एज ए गाइड सर्विस भी देते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहें तो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ट्रैकिंग के हवाले से, नगर वैली में दूसरी खूबसूरत जो स्पॉट है वो राकापोशी बेस कैंप है, जहाँ के लिए मिनापिन विलेज, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ से ट्रैकिंग करना होता है 4-5 घंटे का। अब टूरिस्ट के लिए ऑलमोस्ट 6 घंटे लगते हैं राकापोशी बेस कैंप तक। तो पूरा ग्लेशियर का एरिया है, अगर आप राकापोशी बेस कैंप पर एक दफ़ा पहुँचेंगे तो आसपास आपको पूरा ग्लेशियर मिलेगा, और वहाँ से अगर आप मज़ीद 3-4 घंटे की ट्रैकिंग करेंगे अगले दिन तो कटरेली ग्लेशियर है, जो कि दीरान बेस कैंप बनता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और नगर में तीसरी जो सबसे अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो गप्पा वैली है, जो कि छल्त वैली के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत वैली है, ग्रीनरी भी है, वहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, और 1-1.5 घंटे के ट्रैकिंग के भी स्पॉट्स हैं। तो ये कुछ अहम स्पॉट्स हैं नगर वैली में जो बहुत ही खूबसूरत हैं, खुसूसन टूरिस्ट के लिए। एक चीज़ शायद आप की तवज्जो नहीं है या मिस कर बैठे, क्योंकि हमने रिसेंटली ही देखा है पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई हैं, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम के अलावा भी, सही बात है, मैं भूल गया, ये नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि राकापोशी बेस कैंप वो भी बनता है ये पूरा। और एक और चीज़ मैं भूल गया, यहाँ अगर आप मिनापिन से आप जाएंगे आगे की तरफ तो म्याचर एक विलेज है काफ़ी हाइट पे, और म्याचर विलेज से अगर आप जीप सफारी करेंगे तो मैक्सिमम 1.5 घंटे में एक ऐसी लोकेशन पहुँचेंगे जहाँ से पूरी राकापोशी पीक आपके बिल्कुल सामने दिखेगी, और उस जगह का नाम है खो मीरोज, खो वैली जिसको हम कहते हैं। और पिछले साल मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वीडियो बनाई है, तो बहुत ही खूबसूरत वो जगह है। राकापोशी पीक को अगर करीब से व्यू करना है तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये 3-4 ऐसे स्पॉट्स हैं जो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने वो कुदरती मनाजिर नगर वैली को दिए हैं जिसकी कोई बात नहीं है। तो आप आए नगर वैली, आप रहें कम से कम हफ्ता 10 दिन, और 4-5 दिन की आप ट्रेक करें, यकीन जानिए आपको वो मज़ा आएगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, और ये मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का। ओके, थैंक यू सो मच महबूब भाई, आपने हमें टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और पहले मेरा भी कम प्लान था, अब ज़्यादा प्लेसेस मैंने भी आपकी बातों के बाद नगर वैली की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना है। और अल्लाह ताला आपको आपके मिशन में भी कामयाब करें और आप इसी तरह मज़ीद ब्यूटी को एक्सप्लोर करते चलिए, रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो ओके मच। जी, अल्लाह हाफिज़।